नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोरेशन पर बेहद भारी मन से इस वक्त हम एक बड़ी खबर लेकर के सामने आए हैं आपके लिए। लोक आस्था के महापर्व के बीच में जो आवाज आप कई सालों से सुन रहे थे वो आज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में शारदा सिन्हा स्वर कोकिला बिहार की बेटी, बिहार की आन बान शान, उनका निधन हो गया। करीब बिहार के जो लोग हैं जो देश और दुनिया भर में रहते हैं उन तक पहुंचाया। और उसी बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है जब दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर रही शारदा सिन्हा का अभी अभी निधन हो गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। बता दें कि लगातार उनके जो बेटे अंशुमान हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी संपर्क में थे। लगातार बिहार सरकार भी तमाम तरह के जो भी ज़रूरत, जिस तरह की भी ज़रूरत थी उसको मुहैया कराने की बात कह रही थी और तमाम तरह के जो है इलाज उनको दिए गए, तमाम तरह के प्रयास किए गए। बीच में एक वक्त अचानक से शारदा सिन्हा ने एक तरीके से कहें कि उनकी सेहत में सुधार भी हुआ, लेकिन अचानक से 24 घंटे के अंदर जो है सिलसिलेवार तरीके से उनके शरीर के अलग अलग अंगों ने काम करना बंद किया, जिसके बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। बिहार में 1952 में जन्मी शारदा सिन्हा के पति का निधन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। उस वक्त निधन के बाद शारदा सिन्हा ने एक बेहद भावुक पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि उनकी संगीतमय साधना जो यात्रा है वो जारी रहेगी। शारदा सिन्हा ने इस बार छठ को लेकर के गीत भी अपने पति के निधन के ठीक पहले रिकॉर्ड किया था और उसे उनके बेटे ने उस वक्त जारी किया जब वो अस्पताल में भर्ती थी। शारदा सिन्हा ने बिहार की लोक परंपराओं को न सिर्फ जिया बल्कि उसको देश और दुनिया तक पहुँचाया। छठ के जितने भी जो सबसे लोकप्रिय गाने हैं, जो थे, वो शारदा सिन्हा की आवाज में आज भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में या देश और दुनिया भर में जहां बिहारी मूल के लोग रहते हैं, जहां छठ का पर्व मनाया जाता है, उन सभी जगहों पर उसको गाया और सुना जाता है। बता दें कि दिल्ली के एम्स में जब वो भर्ती हुई उसके बाद शारदा सिन्हा जो हैं उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अचानक से 24 घंटे में जब उनकी सेहत बिगड़ी तो उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, जहां पर जानकारी के मुताबिक जो अंतिम बातचीत हुई है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग जो अंतिम मुलाकात करने के लिए पहुंचे उसमें से पूर्व मंत्री रहे शहनवाज हुसैन शामिल थे, तो उनके करीबी लोगों के मुताबिक शारदा सिन्हा का जो पल्स रेट था, जो बीपी था, वो बहुत नीचे जा रहा था और कोई दवा भी जो है वो काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के स्वर कोकिला, जिनकी आवाज़ जो है वो लगातार जो है गूंजती रही है छठ में और जो सदियों सदियों तक अमर हो गई है, वो आवाज़ अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। फिलहाल इतना ही रखते हैं न्यूज़ फॉर्मेशन।